गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग कार्निवल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो सॉरी इस चीज़ के लिए कि मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था, कि मेरे दो एग्ज़ाम थे और थोड़ा उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है, थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा, आज का व्लॉग होने वाला है मेरे चैनल के नाम पे, जिसका नाम है व्लॉग कार्निवल। तो चैलेंज ये है कि व्लॉग कार्निवल पूरा नाम है, उसमें मैं नाम में मैं पूरा मतलब कुछ भी जो खाने की चीज़ें होती हैं वो चैलेंज रखूँगी। जैसे वी से क्या खाऊँगी, एल से क्या खाऊँगी, ओ से। तो आज पूरे दिन में सुबह से शाम तक हम ये चैलेंज कंप्लीट करेंगे कि व्लॉग कार्निवल नाम से हमें सारी चीज़ें खानी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। तो अभी देखते हैं हम क्या खाते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी वी से क्या खा सकते हैं। तो ये भी आ गया। तो अभी हम सोच ही रहे थे कि क्या खाना है, वी से समझ में भी नहीं आया है क्या खाना है। वी से क्या समझ में नहीं आ रहा, वी से क्या होता है, बड़ा 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 जो होता है इडली बड़ा। हाँ बड़ा बड़ा खाए। एल से कोई वो लिक्विड चीज़ मतलब पीने वाली कोई चीज़ ऐसी हो। एल से क्या होता है, लस्सी। हाँ तो अब दही की लस्सी बनाएंगे। तो वी से हो गया हमारा वड़ा, इडली वड़ा लेने जा रहे हैं। और उसके अलावा एल से खाएंगे लस्सी। जब आता है सामान तो मैं आपको दिखाती हूँ। हे गाइस, तो हमारे लिए पति देव ले आए हैं हमारे लिए बड़ा। वैसे मैंने खाया नहीं कभी सिंगल ऐसे सांभर के साथ। तो सोचा आज मेरे दिमाग में एकदम से ही आया जब हम वीडियो स्टार्ट ही करा था बनाना, जैसे मतलब सुबह आपको बोला कि क्या बनाते हैं, वी से क्या होगा व्लॉग कार्निवल में, तो इनको याद ही नहीं आ रहा सुबह क्या खाएं। तो इसलिए वड़ा मेरे दिमाग में एकदम से आया तो वड़ा मंगवा लिया। तो देख लो वड़ा ये रहा हमारा, सांभर और चटनी है। तो लस्सी भी बना दी देख लो ना। तो एल से लस्सी, वी से वड़ा, एल से लस्सी, तो हो गया हमारा वी और एल। तो अब बचा हमारा ओ, तो ओ का हम देखेंगे आगे। हाँ अभी तो उसके बाद बता दूँ ना वैसे तो। बाकी तो अभी दोनों चीज़ों को एंजॉय करते हैं और आपको बता दें कैसा टेस्ट है, और बाकी के लिए आगे देखते क्या खाएंगे। ठीक है तो आगे मिलते हैं। हे गाइस, तो टाइम आ गया है अब थोड़ा दिन में देखते क्या खाना है। और जिस हम नाम पे पहुँचे थे, जिस हम अल्फाबेट पे पहुँचे थे उस टाइम था वो ओ, कि हमने एल तो कर लिया था और ओ पे आ गया है। तो ओ से सोच रहे क्या खाएं, दिमाग में ये आया है कि हमें ऑमलेट बनाना चाहिए। ओ से तो आता भाई ऑमलेट है ना, तो ऑमलेट बनाते हैं। हाँ चीज़ से हो जाएगा गुड्डे। तो गुड्डे बिस्किट खाएंगे और ऑमलेट और रोटी दिन का खाना हो गया। और बाकी वी एल ओ जी तो डन हो गया। इसके बाद अब जाएंगे हम कार्निवल पर। तो कार्निवल का सीजन स्टार्ट होएगा तो उसका तो शाम को ही देखेंगे जो भी होगा। और अभी मैं जा रही हूँ ऑमलेट बनाने, ऑमलेट और रोटी खाएंगे और इसके बाद देखते हैं आगे जो भी करते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ आगे। तो ये हमारा ऑमलेट भी आ गया है और ओ के साथ क्या था, ओ के बाद था जी। तो ये रहा हमारा गुड्डे बिस्किट। तो पहले तभी हम खाना खा लेंगे, मैंने रोटी खा ली थी साथ में, रोटी बना दी थी। तो रोटी खाएंगे और ऑमलेट खाएंगे, इसके बाद गुड्डे भी खाएंगे। ठीक है तो मैं आपसे मिलती हूँ अपना लंच फिनिश करने के बाद। इट्स टाइम टू ईट सम गुड्डे बिस्किट्स। तो ये रहा हमारा गुड्डे बिस्किट। वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या हो सकता है जी से, तो एकदम से गुड्डे बिस्किट ही दिमाग में आया, इसलिए फिर हमने सोचा कि गुड्डे बिस्किट मंगा लेते हैं।
ऑमलेट और रोटी तो खाना हो गया है और व्लॉग पूरा कंप्लीट हो गया है। VLOG वी से हमने सुबह खाया, वी से हमने सुबह क्या खाया, वड़ा। हाँ वी से हमने सुबह खाया वड़ा, उसके बाद लस्सी, ओ से ऑमलेट अभी खाया और उसके बाद हमारा ये रहा जी। तो हमारा व्लॉग पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारे चैनल का नाम। तो इस चैलेंज में हमने कंप्लीट किया व्लॉग को और इसके आगे भी देखते हैं। शाम को स्नैक्स में कार्निवल पूरा करना है, स्नैक्स और डिनर में, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो वैसे भी अभी मुझे नहाना है, नहाने के बाद मैं आपसे सीधा मिलती हूँ। तो हे एवरीवन, हम आ गए हैं और अभी लाए हैं हम कार्निवल से जुड़ा हुआ सामान। कार्निवल जो पूरा नाम है उसमें जितने अल्फाबेट्स हैं उनसे सारा सामान लेके आए हैं। और सामान में ये लाई हूँ, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लाना चाहिए और ना दिमाग ज़्यादा चल नहीं रहा था। तो मैंने क्या करा, नीचे सोनू चाचा की दुकान है मेरे, तो उनसे ही मैंने और सामने इधर वाली चाची से भी एक दो चीज़ ले ली। तो सबसे पहले दिखाती हूँ सी से मैं क्या लाई हूँ। सी से लाई हूँ मैं चॉकलेट। तो अब चॉकलेट खाते हैं, इसके बाद आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगी। अभी मैं सब ख़त्म कर दूंगी कार्निवल पूरा, ठीक है। तो अभी हम खाने जा रहे हैं चॉकलेट, ठीक है। तो ये हमारा सी से हो जाएगा। बाय द वे मैं ये बता दूँ कि ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। इतने से मैं मतलब इतनी सी होती है और ऐसा लगता है एक बार में ख़त्म हो जाएगी अगर एक बार में मुँह में डालोगे। पसंद है तो ये पूरा का पूरा पैकेट लेके आए थे मंच का, वो जो बड़ा वाला था उसके अंदर छोटी छोटी मंच होती है, बहुत प्यारी। तो ये हमारा हो गया सी से। अब आई बारी ए के। निवल में दो ए आते हैं, तो दो ए मैं ले चुकी हूँ। दो ए में ये है अनारदाना मिला है और एक लिए मैंने आलू भुजिया। तो अभी मैं क्या खाऊंगी, अनारदाना मीठा खाया है, वैसे ये भी खा सकती हूँ। कभी खाया आपने? एक बार खाया था मैंने नीचे चाचा की दुकान से ही, उन्होंने उनका ना गलती से मतलब लीक हो गया था, कह रहे खा के देखा अच्छा रहता है। उनका ये पैकेट लीक हो गया था तो उन्होंने मतलब उसको खाने में ही निकाल दिया था कि खा के देख कैसा होता है। तो खिलाया था चाचा ने, खिलाया था दादी ने, खिलाया था शायद दादी ने, खिलाया था नहीं चाचा ने खिलाया था। हाँ नॉर्मल खाने में खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है इसका। तो अब आ गई बारी एन की। सी ए आर हो गया, सी से चॉकलेट खाई, ए से अनारदाना, नहीं सॉरी आर की बारी है यार। आर के लिए आर तो लिया नहीं, आर का क्या कर सकते हैं, आर से क्या हो सकता है, आइडिया हमारे पास रूहअफ़ज़ा है। तो ब्रू अफ्ज़ा बनाती हूँ, फिर ब्रू अफ्ज़ा पियेंगे, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी गाइस, सब मैंने बना लिया ब्रू अफ्ज़ा, ये रहा और आपको दिख रहा नहीं है, ये रहा ब्रू अफ्ज़ा मैंने बनाया है इसको। तो ये रहा हमारा ब्रू अफ्ज़ा, ये दिखा दो आपको, कैसे दिखाऊँ यार, ये जाएगा रुक जाओ ये करो गिर गया। आपकी वजह से हुआ ये, कोई नहीं भूल जाएगा यार, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ यार, रुक जाओ, पूरा गीला हो गया, वो चींटी आ जाएगी यहाँ पे, दो मिनट रुको। तो हम कहाँ थे, मैंने आपको दिखा दिया ना रुक जा गिर गया नीचे बाकी थोड़ा सा। तो अब मैं इसको जा रही हूँ पीने क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, हवा चल रही थोड़ी थोड़ी, पर दो दिन बाद दोबारा गर्मी हो गई। दो दिन पहले तक बहुत अच्छा मौसम चल रहा था भाई, मौसम तो ऐसा हो रखा था गजब सा, अच्छे से नींद आ रही थी। आपको मैं ये बता दूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, आवाज़ के लिए मैं कूलर बंद कर देती हूँ और हमारा पंखा ख़राब हो रखा है तो इसलिए कूलर बंद करना पड़ता है। और ये पसीने आ रहे हैं मुझे गर्मी की वजह से, शायद ये फेस
शायद ना ये पसीने फेस ना मेरा शाइनिंग शाइनिंग कर रहे हैं। तो बाकी ये रोज़ा पीती हूँ मैं। वाह मज़ा आ गया। तो हमारा ये आर भी हो गया है सी ए आर। सी से हमने क्या खाया था यार, भूल जाती हूँ बार बार। सी से चॉकलेट खाई थी। ए से खाया हमने अनारदाना। इसके बाद आर से रूअफ़ज़ा। अब आई बारी एन की। तो एन के लिए मेरे पास है ये चीज। क्या बोलते हैं इसको, चीज। अंकल 2 रुपए की चीज़ दे दो। चीज क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं जो भी आप बोलते हो चीज। आपने बहुत खाई होंगी ये सब अजीब अजीब सी चीज़ें। तो ये मैं लाई हूँ 5 रुपए का, ये मात्र 5 रुपए का। तो अभी मैं खाऊंगी नट। अब मैं ये नटखट खाऊंगी और खाऊंगी कैसा है, कैसा क्या 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 है, कैसे के लिए थोड़ी बता रही हूँ। ये मैंने आज चैलेंज रखा था कि ब्लॉक करने और से पूरे अल्फाबेट से जो भी चीज़ मिलेगी वो खाऊंगी। तो इसलिए अभी एन मिला है 5 रुपये, मात्र 5 रुपये। इन्जॉय करते हैं, छोड़ो क्या बोल रही हूँ। नटखट भी खा लिया है। इसके बाद अभी देखते हैं क्या खाना है। इनके बाद एन कार्नी एन आई आई से मैं लाई हूँ ये। समझ रहे हो क्या है, ये लड़के को पसंद होती हैं, चटकारे लेते हैं, देखते हैं इनका मन करता है खाने का। तो वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ये। इमली आज से इमली लाई हूँ। अभी खाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ी देर में खाती हूँ ठीक है। तो अभी तक वीडियो में हमने खा लिया है एन, लास्ट हमने नटखट खाया है। उसके बाद एन आई आई खाना है। आई से लाई हूँ मैं ये, बताया था आपको इमली। तो अब मैं ये इमली खाऊंगी और हमारा आई भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ना अच्छा हो गया ऐसे, तो कोई चीज़ खट्टी खाओ ना तो अजीब सा होता है। देखो 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 देखो, पांच रुपए की इमली। हमने खाई ये हमारी गली में आता था पहले, 1 रुपए के एक पन्ने में देता था, इतनी बड़ी पन्ने में इमली। जो भी अच्छी है इमली, अच्छी है। आपने भी खाई है कभी तो बताना कमेंट में मुझे कि आपने कभी ट्राई करी हो इमली। तो हमारा आई भी कंप्लीट हो गया है, तो मैं खाऊंगा मिलती हुए। तो हमने इमली भी खा ली है अपनी। अब ये आई है, मैं आइसक्रीम को आई में नहीं लगाया, मैंने इसको लगाया है वी में, क्योंकि ये वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम है। तो इसमें वी आ रहा है इसलिए मैंने इसको वी बना दिया। तो व्लॉग कार्निवल में वी का मतलब वेनिला हो गया। तो आइसक्रीम तो भाई मज़ा आ जाता है, ऐसी गर्मी में ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ मिल जाए। तो अभी इससे हमारा हो गया आइसक्रीम। आओ तो मैं आपको ये भी फिनिश करके बैठती हूँ। तो हम आ गए हैं ए पे। तो वैसे है ना, वैसे एल भी नहीं हुआ, तो अब आ गए हम लास्ट में ए पे। ए के बाद एक और वर्ड है, तो खाती हूँ ए।
तो एल के लिए मैंने लिया है लेज, तो लेज को खाएंगे और हमारा पूरा हो जाएगा व्लॉग कार्निवल। आपने देख लिया होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूँ। वी में मैंने खाया, आप भी मेरे साथ रिपीट करो, वी में मैंने खाया वड़ा, एल में मैंने खाया क्या खाया लस्सी, एल में मैंने खाया, वी में वड़ा, एल में लस्सी, ओ में ऑमलेट, जी में क्या खाया, तो वीडियो देखने के बाद मुझे याद आया जी से खाया था गुड्डे बिस्किट, हाँ, और फिर व्लॉग हो गया पूरा कार्निवल में। सी से खाया चॉकलेट, ए से खाया आमचूर चूरन, और आर से खाया नहीं पिया रू अफ्सा, एन से खाया नटखट, और आई से क्या खाया हाँ इमली, वी से वनीला आइसक्रीम है वैसे, पर उसको वी में लिया क्योंकि वी आर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाना चाहिए, तो इसलिए वी में वनीला ले लिया। और अभी ये बारी है एल की, तो हमारा पूरा ब्लॉग कार्निवल वाला चैलेंज पूरा हो जाएगा कि हमने पूरा अल्फाबेट जो मेरे नेम के अंदर आता है, जो मेरे चैनल नेम के अंदर जो मेरे जितने भी अल्फाबेट आते हैं उससे सबसे मैंने अलग अलग डिफरेंट चीज़ ट्राई कर ली है, तो अब लास्ट बारी इसकी है। आप बताओ आपको लेज पसंद है, तो मैं सच बताऊं एक और 5 रुपीज का डायमंड चिप्स वो टेस्टी होता है, ग्रीन वाला है वो भी मुझे अच्छा लगता। If anybody asks me कि आप कौन सा प्रेफर करोगे खाना, हाँ मैं बोलूँगी डायमंड। तो बाद में क्यों, तो हमारा आज का चैलेंज कंप्लीट हो गया है, मैंने बार बार रिपीट भी कर दिया, और मेरे ये ब्लॉग एक तरीके से घर में था और एक चैलेंज ब्लॉग था, तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है इसका मतलब अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस छोटी सी फैमिली का एक हिस्सा बन जाना। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।